क्रीड़ा संकुल मानकापुर स्टेडियम में 3 जून से जिला परिषद की ओर से जिला स्तरीय महिला मेलावा का शानदार आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में जिला परिषद की अध्यक्ष रश्मि बर्वे इन्होंने दी है। इस मौके पर जिला परिषद के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। क्रीड़ा संकुल मानकापुर स्टेडियम में 3 जून को जिला स्तरीय महिला मेलावा का शानदार आयोजन जिला परिषद के माध्यम से लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नागपुर ग्रामीण महिला बचत गट की तकरीबन 10,000 महिलाओं की उपस्थिति रहने वाली है। इस कार्यक्रम के चलते बचत गट की महिलाओं का जीवन संवर्धन करना, उनको शिक्षित करना और उनके कामकाजों को बढ़ावा देना आदि काम किए जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम में तकरीबन 150 से ज्यादा स्टॉल्स रहने वाले हैं। इस स्टॉल में तकरीबन 50 स्टॉल कृषि विषयों से जुड़े रहेंगे। इस मौके पर महिलाओं को कृषि का ज्ञान भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में सुनंदा पवार खास तौर पर मौजूद रहने वाली हैं। सुनंदा पवार इस मौके पर महिलाओं को आने वाली दिक्कतें, उसका सामना और व्यवसाय में प्रगति कैसे की जाए, इसका मार्गदर्शन करने वाली हैं। ऐसी जानकारी जिला परिषद की अध्यक्ष रश्मि बर्वे इन्होंने BCN समक्ष दी। क्रीड़ा संकुलन मानकापुर स्टेडियम ला येत्या 3 तारखेला म्हणजे 3 जून ला महिला मेळावा हा जिल्हास्तरीय अतिशय उत्तम रित्या आपण घेत आहो जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून। जिल्हा परिषद सोबतच विभागीय सरस प्रदर्शनी अशा संयुक्त विद्यमानाने हा अतिशय उत्तम असा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। या कार्यक्रमामध्ये विशेषतः महिला बचत गट जे नागपूर ग्रामीण भागातील पूर्ण महिला बचत गट जे आहे किमान याच्यामध्ये या कार्यक्रमामध्ये 10,000 पेक्षाही जास्त महिला बचत गट या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहणार आहे। आणि या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने महिला बचत गटच्या वर्गांनी महिला बचत गटच्या समूहाने जास्तीत जास्त व्यवसाय कशा पद्धतीने करायचा, महिला बचत गटांना रोजगार कशा पद्धतीने निर्मित करायचा तो आमचा एक मोठा असा कॉन्सेप्ट आहे आणि या महिला मेळाव्याच्या अनुषंगाने तो साध्य होईल असं गृहीत धरूया। सोबतच या विभागीय सरस प्रदर्शनीमध्ये किमान 150 स्टॉल्स हे राहणार आहे आणि या स्टॉल्समध्ये महिला बचत गट वर्गांनी हाताने तयार केलेल्या सर्व वस्तू, त्यामध्ये खानावळ आणि इतरही साहित्य, कृषीचे साहित्य कृषी विभागाकडे माननीय कृषी सभापती आणि पशुसंवर्धन सन्मान्य तापेशभाऊ वैद्य यांच्या माध्यमातून या विभागीय प्रदर्शनीमध्ये किमान 50 स्टॉल हे कृषी विभागाकडनं राहणार आहे आणि त्यामध्ये बऱ्याचशा महिला वर्गांना प्रशिक्षण देण्याचं कार्यही कृषी विभाग करेल आणि इतरही स्टॉल हे बऱ्यापैकी पूर्ण 150 स्टॉल राहणार आहे। आज कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं बढ़ चढ़कर अच्छा काम कर रही हैं। आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से महिला और भी सक्षम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिला परिषद से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे की रिपोर्ट।